Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5, life in the temperature zone. है ना, इससे पहले हमने जो chapter पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, temperature zones जो है कैसे divide है according to the sunlight received, कि जो हम अर्थ पे जितना sunlight receive होती है उसके according उन्होंने क्या किए थे, zones divide कर दिए थे. ये हमने first chapter में पढ़ा था, है ना. ये आपका अर्थ है, देन अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, जहां जहां सनलाइट जैसे जैसे रिसीव हो रही है उसको उन पार्ट्स में या उन जोन्स में डिवाइड कर दिया था. जैसे ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड द टॉरिड जोन, है ना. फिर हमने पढ़ा था कि एक जो है टेम्परेट जोन होता है, देन एक आपका होता है फ्रिजिड जोन. हमने ये जो थ्री मेजर टेम्परेचर और हीट जोन्स जो है इनका डिविजन हमने देखा था कि कैसे हुआ था, है ना. अब यहाँ पे जो है लाइफ कैसी है, यहाँ पे इन टेम्परेचर जोन में जो लोग रहते हैं उनका यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ पे कैसे प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, कैसे कौन से एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है. और क्या क्या जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्या क्या क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, कैसे कैसे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है. यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी लाइफ इन टेम्परेट जोन. यानी कि हमने जो जोन पढ़े थे दैट इज दी, हमने एक जोन पढ़ा था फ्रिजिड जोन, देन हमने टेम्परेट जोन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था टॉरिड जोन, है ना. तो टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन, इनके जो इन ये जो जोन है इसमें क्या क्या चीजें होती है, यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, इनका क्लाइमेट कैसा होता है, वेजिटेशन कैसा होता है, वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, प्लस यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. ओके, यस. सो हमने क्या पढ़ा था कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टेम्परेचर जोन, कि जो हमारा जो वर्ल्ड है यानी कि जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. यानी कि सनलाइट जितना ज्यादा रिसीव होता है या जितना नहीं रिसीव होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे टेम्परेचर जोन्स के अकॉर्डिंग वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो ईच जोन हैज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन. हर एक जोन की जो वेजिटेशन है यानी कि वहां पे जो ट्रीज, प्लांट्स या एनिमल्स हैं, जो उनकी जो लाइफ है वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है. यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि हर एक टेम्परेचर जोन की अलग अलग वहां पे जो क्लाइमेट कंडीशंस है और वहां पे जो भी वेजिटेशन या जो भी एनिमल लाइफ होगी, जो भी पीपल होंगे, उन सबका भी जो लाइफस्टाइल है वो भी इफेक्ट होता है, वो भी अलग अलग होता है. सो अब हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, हॉट डेजर्ट एंड फ्रिजिड जोन. इक्वेटोरियल, टेम्परेट एंड फ्रिजिड तो आप पहले भी चैप्टर में सुनकर आए हैं. अब ये हॉट डेजर्ट है, तो ये हॉट डेजर्ट भी एक जोन है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. मेन आपके जो थ्री जोन्स हैं वो आपको ध्यान रखना है कि एक आपका टॉरिड जोन है जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल, ठीक है, और ट्रॉपिकल. देन हमने एक पढ़ा था टेम्परेट जोन, है ना, तो वही है टेम्परेट जोन, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड में जो मतलब ये जो एरिया है वो टेम्परेट जोन में ही आता है. एक हॉट डेजर्ट है, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है. वो सब ट्रॉपिकल रीजन या सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है वो जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगी. देन आपने एक जो है फ्रिजिड जोन, जिसको हम पोलर जोन भी बोलते हैं, ठीक है. इसको हम पोलर जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ये जो जोन है वो कहाँ लोकेट करता है, पोल्स पे लोकेट करता है. तो अब ये सब जोन्स के बारे में, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा जो है ग्रीन रहते हैं, यहाँ पे जो है हमेशा ग्रीनरी रहती है, ठीक है. ऑलवेज अपीयर टू बी ग्रीन एज ट्री शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, क्योंकि ये हमेशा जो है यहाँ पे ग्रीनरी रहती है. बट कुछ टाइम इनकी जो लीव्स है वो भी शेड करती हैं, गिरती हैं कुछ कुछ अलग अलग टाइम पे, है ना. जैसे पतझड़ का मौसम आता है तब जो है पत्ते झड़ते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होता है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसको हम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि वहां पे हमेशा जो है ग्रीनरी रहती है, ठीक है. सो अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जो है लाइफ स्टाइल कैसा है, यानी कि वहां पे प्लांटेशन कैसा है, कैसे पेड़ उगते हैं, ठीक है, वहां पे जो है क्लाइमेट कैसा रहता है, वहां का वाइल्ड लाइफ कैसा है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. सो आपका जो इक्वेटोरियल यानी कि
ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो आपका ये वाला जोन एंड ये वाला जो जोन होता है नियर टू द इक्वेटर, जिसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, और इक्वेटोरियल जोन। तो आपका जो ये जोन है वो कहाँ लोकेट करता है, द एरिया दैट इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड फॉल्स इन द टॉरिड जोन, जो कि इक्वेटर के दोनों साइड में आता है और किसके अंडर में आता है, टॉरिड जोन के अंडर में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यानी कि वो फॉरेस्ट यानी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपके कौन से रीजन, कौन से जोन में आते हैं, आपके टॉरिड जोन में आते हैं, और आपका टॉरिड जोन कहाँ है, नियर टू द इक्वेटर, है ना, इक्वेटर के दोनों साइड में है। ये आपका नॉर्थ टॉरिड जोन हो जाता है, ये आपका साउथ टॉरिड जोन हो जाता है। सो पहले तो आपको एरिया बताया है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का, देन डिस्क्रिप्शन क्या है कि इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। आपको पता है टॉरिड जोन का दूसरा नाम ट्रॉपिकल भी होता है और इक्वेटोरियल भी होता है। फिर हमने पढ़ा कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ये सब नेम्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देन यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है विद द वेरी लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी कि बहुत कम चेंजेस होते हैं इसके टेम्परेचर में, ठीक है। नो वेरिएशन इन सीजन, सीजन में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ का जो वेदर है हमेशा हॉट और ह्यूमिड रहता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ का जो वेदर है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। देन वेजिटेशन, यानी कि कौन से टाइप के जो प्लांट्स या ट्रीज एंड प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, हार्डवुड, ठीक है। अब हार्डवुड क्या होता है, तो हार्ड स्ट्रॉन्ग वुड फ्रॉम ट्रीज, है ना। यानी कि हार्डवुड इज लाइक कि आपका जो वुड है ट्री का वो एकदम हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो कौन से ट्रीज, कौन से प्लांट्स होते हैं, ओक होता है, महोगनी होता है, ठीक है। तो इनका जो जड़ है ना, इनका जो ये वुड है एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, महोगनी, इबोनी, रोज वुड, ठीक है, ऑल्सो रबड़ एंड सिंचोना, ठीक है। यहाँ पे आप अभी अपन एक वीडियो दिखेंगे, इसमें आपको सिंचोना भी पता चलेगा। या आप ये भी देख सकते हैं, ये ट्री जो है सिंचोना ट्री है, रबड़ प्लांट यहाँ पे ये सब ग्रो होता है। महोगनी ये हो गया, इबोनी, देन रबड़ प्लांट एंड सिंचोना, ये सब जो है यहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, उगते हैं। देन यहाँ पे कैसे एनिमल्स जो है सर्वाइव करते हैं, रह पाते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मीन्स कैसे कैसे एनिमल यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो है एनिमल्स देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट इज जगुआर, ठीक है, देन प्रोबोसिस मंकी, टूकॉन, ये बर्ड आपको दिख रहा है, सबकी पिक्चर भी दी हुई है, देखो ये अजीब सा ही मंकी है, ठीक है। हम जो वैसे मंकी देखते हैं वो, और ये मंकी थोड़ा सा अलग है, इसके फेस देखो आप, ठीक है। देन हमें और क्या देखने को मिलता है, रेड आई ट्री फ्रॉग, देखो इसकी रेड आई, यानी कि इसकी जो आईज है वो कैसी है, रेड है, ठीक है, ट्री फ्रॉग है ये। सो आप देखो कि हमें डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलता है, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। और हमें क्या बताया, इसे क्लाइमेट के बारे में बताया। प्लस अब हम क्या जानेंगे कि यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन से पीपल रहते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, नोमैडिक पीपल रहते हैं, आदिवासी लोग आपको दिख रहे होंगे, ये देखो एक पिक्चर है इसमें कैसे आदिवासी लोग ट्राइब के, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो उनका जो कम्युनिटी है उसका, ट्राइबल कम्युनिटी का क्या नाम है, पिग्मीज ऑफ कॉन्गो एंड दयाक्स ऑफ बोर्नियो, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, कास्ट सिस्टम होता है ना, कि ये ब्राह्मण है, ये पंजाबी है, तो वैसे ही जो हमारी जो ट्राइब्स कम्युनिटी होती है, आदिवासी की कम्युनिटी होती है, वो भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, यानी कि वहां पे भी बहुत तरह के लोग थे। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम था पिग्मीज ऑफ कॉन्गो और एक का नाम था द दयाक्स ऑफ बोर्नियो। अभी पिग्मीज ऑफ कॉन्गो भी क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि पिग्मीज वाली ट्राइब में ऐसे लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, या ऐसे लोग उसमें होते हैं जिनकी हाइट जो है यूजुअली शॉर्ट होती है, ठीक है। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग करके ही जो है खाना खाते थे, ईट करते थे, सर्वाइव करते थे। प्लस ये कहाँ रहते थे, सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में ही रहते थे, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो आदिवासी लोग, आपने सुना होगा ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मोस्टली कहाँ रहते हैं, वो सारे ही जो है फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। देन कैसे सर्वाइव करते हैं, वो हंटिंग करके, गैदरिंग करके, ठीक है, कुछ भी जैसे उनको खाने को मिल रहा है, कुछ भी फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, हंटिंग यानी कि शिकार करके खा रहे हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पे रहते थे। तो पिग्मीज ऑफ कॉन्गो के जो लोग हैं वो, और वो
मतलब ऐसे ही तो खुले में तो नहीं रहते होंगे, तो उनके घर कैसे बने हुए होते थे? पिग्मीज लिव इन अ हाउस मेड विद स्टिक्स एंड लीव्स, ठीक है, उनके जो घर थे वो स्टिक एंड लीव्स के बने हुए थे, तो ऐसे घरों में वो रहा करते थे, ठीक है. देन नेक्स्ट इज दी दयाक्स ऑफ बोर्नियो, एक और ट्राइबल कम्युनिटी थी, यानी कि दो तरह के ग्रुप के लोग वहां रहते थे. फर्स्ट इज दी पिग्मीज ऑफ कॉन्गो, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे खाते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करके जो है वो अपना जो है सर्वाइव करते थे, प्लस वो स्टिक्स एंड लीव के घर में रहते थे. नेक्स्ट इज हमने क्या पढ़ा था, दयाक्स ऑफ बोर्नियो, दयाक्स ऑफ जो बोर्नियो के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, है ना, ये दयाक्स के लोग हैं, मैन एंड वुमेन, यानी कि एक कपल की आपको फोटो दी गई है, प्लस यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग बताई गई है कि वुमेन की क्लोथिंग ये है, मैन की क्लोथिंग ये है, ठीक है. तो अब क्योंकि उनका जो है लाइफस्टाइल, यानी कि उनका जो उनके जो कपड़े हैं, उनका जो रहना करना है, वो सब भी इफेक्ट होता है उस एरिया से, ठीक है. तो दयाक्स लिव इन अ लार्ज कम्युनल ड्वेलिंग कॉल्ड लॉन्ग हाउस, ठीक है, वो एक बड़े से घर में, कम्युनल मींस कॉमन घर में, ठीक है, रहते थे, ठीक है, जिसको जो है लॉन्ग हाउस बोला जाता है. एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, ये देखो आप इस ये पिक्चर देखिए आप, ये घर है ना, एक लॉन्ग हाउस है, तो यहाँ पे इनकी पूरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, है ना, वो एक साथ रहते थे इस बड़े से घर में. और जबकि पिग्मीज ऑफ कॉन्गो वाले जो लोग हैं वो किस में रहते थे, ऐसे घरों में रहते थे जो कि स्टिक और लीव से ही बने हुए, बट ये जो लोग हैं ये जो है कॉमन हाउस में रहा करते थे, जिसको लॉन्ग हाउस भी बोला जाता है. तो इनकी जो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे इसी घर में रहते थे, ठीक है. सो दीज हाउसेज आर लोकली नोन एज, इनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इन हाउसेस का दूसरा नाम क्या है, बेतंग एंड लामिन, ठीक है. तो इनको ये लॉन्ग हाउसेस जिसमें ये दयाक्स ऑफ बोर्नियो रहा करते हैं, उस घर को और भी नामों से जाना जाता है, दैट इज दी बेतंग एंड लामिन. दे आर बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग पोस्ट अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, और ये कहाँ पे बने हुए हैं, नियर टू द रिवर बैंक, यानी कि रिवर के आसपास बने हुए हैं, ठीक है. क्योंकि इनको क्या करना पड़ता था, हंटिंग गैदरिंग करके जो है काम चलाना पड़ता था, और वाटर के लिए भी इनको इनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता था, रिवर्स के ऊपर. तो इसलिए ये जो लोग हैं वो ऐसी नियर बाय द रिवर्स के एरिया पे जो है रहना शुरू इन्होंने किया, ताकि वो उनके लिए वाटर फैसिलिटीज भी इजिली अवेलेबल हो जाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्विटोरियल फॉरेस्ट, कि इक्विटोरियल फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, प्लस इक्विटोरियल फॉरेस्ट जो है कौन से एरिया में लोकेट करता है. See, हम इस पिक्चर में देखते हैं, ये जो टेबल हमें दी हुई है, ठीक है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इक्विटोरियल फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है. हमने एरिया पढ़ा था कि इक्विटोरियल फॉरेस्ट जो है कौन से टॉरिड जोन में आता है, दैट इज नियर टू द इक्वेटर. वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है विद हैवी रेनफॉल, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल होता है ना, जिसकी वजह से उसका जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड एकदम नमी वाला हो जाता है, ठीक है. इतनी गर्मी पड़ती है वहां पे रिवर्स के ऊपर, तो अब वो इवेपोरेट होके पानी वहां से, इवेपोरेशन का प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे, ठीक है. इतना धूप की मतलब सनरेज पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होते होके क्या हो जाता है, रेनफॉल में, यानी कि इवेपोरेशन होता है, तो इसलिए क्या होती है, रेनफॉल होती है. सो वहां का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, प्लस यहाँ का वेजिटेशन, यानी कि हमने पढ़ा था कि कैसे टाइप्स ऑफ के ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, मैगोनी, इबोनी, हार्डवुड टाइप के जो है प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं. देन यहाँ का वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कैसे, कौन कौन से यहाँ पे आपको बताया है, इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एलिफेंट, जैगुआर्स, एनाकोंडा, और हमने क्या पढ़ा था, प्रोबोक्सिस मंकी पढ़ा था, टूकॉन पढ़ा था, रेड आई ट्री फ्रॉग पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कौन से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कौन से आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनकी एक कम्युनिटी का नाम है, एक है पिग्मीज ऑफ कॉन्गो, देन दयाक्स ऑफ बोर्नियो. फिर इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा और बताया है कि पिग्मीज ऑफ कॉन्गो के यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, फिर दयाक्स ऑफ बोर्नियो के लोग भी कैसे जो है सर्वाइव करते हैं, कौन से घरों में रहते हैं, प्लस उनका एक आपको फोटो भी दिया हुआ है जिसमें आपको उनका आउटफिट यानी कि क्लोथिंग के बारे में भी बताया गया है, ठीक है. इसको हम थोड़ा सा और, अगर वैसे तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा, एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पे आपकी एक वीडियो भी है जो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना. तो अभी हम एक वीडियो भी देख लेते हैं ऑन द टॉपिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. द इक्वेटोरियल रीजन, द इक्वेटोरियल रीजन lies between 10 degrees north and south of the equator.
covering about 6% of the world's total surface. Some of the major countries within this region are Brazil, Peru, Ecuador, Colombia, the Congo, Indonesia, Philippines, and Malaysia. The equatorial region receives direct rays of the sun. This makes the region hot. This results in rapid evaporation of water from water bodies, which causes heavy rainfall. This region receives the most rainfall in the world. Thus, the equatorial region is hot and humid. The hot and humid climate is suited for plant growth. As a result, this region has dense vegetation. The trees in this region grow thick, tall, and close to each other. They have big, broad leaves which remain green throughout the year. Some equatorial forests are the Amazon rainforest, the Atlantic forest, the Madagascar lowland forests, the Ituri, the Hawaiian, the Daintree, and the Harpen rainforests. They are extremely rich in biodiversity. Many hardwood trees, such as ebony, rosewood, and mahogany, grow here. Rubber, cocoa, cinchona are some of the plants cultivated in this region. The equatorial forests are home to both rare and common species of animals. Some of the animals found in this region are orangutans, Komodo dragons, alligators, snakes, crocodiles, chimpanzees, gibbons, tigers, jaguars, pygmy hippos, okapis, tree porcupines, and so on. Several kinds of birds, such as parrots, macaws, hornbills, hummingbirds, toucans, are also found in this region. These forests are also home to millions of species of insects and microorganisms. Yes, so that's it for today. आज हम जो है नए टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? There is one more video on the people living in the equatorial forest. Human life. Due to the hot and humid weather and the dense forests, the equatorial region is very thinly populated. The region is home to nomadic tribes such as the Pygmies of Congo, the Dayaks of Borneo, the Hulis of Papua New Guinea, and the Yanomamis of South America. The nomadic tribes have their unique traditional ways of living, mainly comprising of activities such as hunting, fishing, and gathering food. Other people residing in these regions are mainly dependent on the flora and fauna of the area. They practice plantation agriculture. Rubber, cocoa, sugarcane, bananas, cassava, and corn are some of the plants cultivated in this region. Mining is also an important occupation of people in this region. Deposits of minerals such as gold, copper, and diamond are found in equatorial countries, namely Malaysia and Singapore. The extraction of these minerals have made these countries prosperous.